क्यों नहीं प्रशासन उनको पकड़ती है मारती है? नौटंकी चल रहा है झारखंड में, नौटंकी चल रहा है। हेमंत सोरेन जी, आप किसी आपसे सरकार नहीं संभल रही है, आपसे राज नहीं संभल रही है, तो इस्तीफा दे दीजिए आप। लेकिन ये सब मत कराइए, झारखंड को पाकिस्तान मत बनाइए। हमारे साथ हम कितने दर्द में हम बता सकते हैं? मेहनत के कमाई से गाड़ी खरीदी हुई है हमारी, कौन देगा मुझे हटाना उसका? क्या हुआ था उसमें, कहाँ थे आप? हुआ ये था सर कि मैं यहाँ पर आया था, मैं रिपोर्टिंग करने नहीं आया था, तो पत्रकार के पास हमेशा माइक होता है, आप भी जानते हैं। हम लोग आए थे, यहाँ पर पार्किंग है, आप भी देख सकते हैं, है ना पार्किंग? तो पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी करके, हम लोग मोबाइल का कुछ इशू था हमारा, वहाँ पे सामने कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर हम मोबाइल के लिए कहते हैं, अचानक दिखा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और पत्रकार आए हुए, तो हमने भी माइक निकाल के यहाँ पर रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया, बराबर सब कुछ ऐसा। उसके बाद जो है वो लोग आगे बढ़ रहे थे, इसी बीच में लाठी वाठी चार्ज, इसी बीच में इतना पथरा हुआ, 200 राउंड गोलियां चली है यहाँ पर, इसी के बीच में। अरे भाई आप लड़ रहे हो, आप कर रहे हो, तो गाड़ी का किया है? किसका गाड़ी आपको मालूम है? क्यों गाड़ी को तोड़ रहे हो? और प्रशासन पीछे जा रही है, प्रशासन भाग भाग रही थी, प्रशासन के बावजूद गाड़ी इधर से आ रही है, खतरा हो रहा है। जब यहाँ पर पत्थर चल रहा है, मैं 20 पत्थर खाया हुआ, बिलीव नहीं कीजिएगा, मतलब उधर से भी जो मैं यहाँ पर छुपा था, कैसे मैं बचा हूँ, मेरी जान चली जाती। यहाँ पे उतनी गाड़ियाँ आने के, पुलिस नहीं रोक रहे थे गाड़ी? अरे पुलिस कहाँ, क्या हम आप हमारे सामने 10 पुलिस खड़ी थी, पीछे पुलिस तो भाग रही थी, पीछे पुलिस रुकी हुई थी, भाग रही थी। जय श्री राम। मेरे दर्द को कौन दिखाएगा बताइए? हेमंत सोरेन जी जेल में डालिएगा, डाल दीजिए, लेकिन बोलूंगा मैं, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, मेरा 13 लाख का गाड़ी टूटा है यहाँ पर, मैं मर जाता तो मेरे घर वालों को कौन जवाब देता? ये जज्बात हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ माहौल है। चलिए, ये उन्माद भरा माहौल एक तरह से कहा जाए, पूरी तरह से प्रशासन की फेलियर ही है, ये आप देख सकते हैं।